हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका जाना पहचाना वही डॉक्टर रामगोपाल त्यागी। ठीक है, बायोलॉजी बहुत ही आसान और आपको लग भी रही होगी कि सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। और जो भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमें बताएं। परेशानी प्रॉब्लम को दूर करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम जो चर्चाएं कर रहे हैं बायोलॉजी में, क्या पढ़ाया है मैंने आपको, जो मॉड्यूल फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ मॉड्यूल आ गया है। ठीक है, तो क्या क्या चर्चाएं हमने की हैं उसको रिवाइज करेंगे पहले, और उसके बाद में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कोई समस्या होगी नहीं, और होगी तो आप बताएं, हमें उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले मैं 1 करोड़ की बात बता दूं, इम्पोर्टेंट बात क्या कि अगर हमें सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। जलने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप में आग लगा लो, ऐसा नहीं है। जलने का मतलब यानी मेहनत करनी होगी। ठीक है, चमकना है आपको, एकदम नाम करना है अच्छे तरीके से, तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये कितने का है? अभी तो फिलहाल मैंने ही कहा है, लेकिन पहले कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यानी मेहनत करिए, कंसेंट्रेट हो जाइए, ग्लूकोज पियो पानी में डाल के, एनर्जी मिलेगी और जुड़ जाइए। ठीक है, पूरा ध्यान फोकस कहाँ पर? इधर बोर्ड पर। ठीक है, तो जुड़ जाइए एक साथ, पूरे लगन के साथ में मेहनत करिए। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ा रहे थे वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, फिर उसके बाद परिसंचरण तंत्र के प्रकार, फिर रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त कहाँ बनता है, रक्त के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहते हैं, फिर रक्त का संगठन पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा। ठीक है, संगठित पदार्थ पढ़े, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, 90 से 92% जल होता है। ठीक है, प्रोटीन रहित प्लाज्मा को शीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ पढ़े, RBC WBC प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट, लीकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद में फिर हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है सबका, मैंने आपको बताया था कि सभी मनुष्य का रक्त दिखने में एक समान दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थों में उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सभी मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है रक्त में, प्रतिजन या एंटीजन। उस प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही रक्त समूह अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो एंटीजन के आधार पर अगर इसको विभाजित किया जाए तो जो रक्त समूह है उसमें दो तंत्र हैं, एक है ABO तंत्र और दूसरा है कौन सा, RH तंत्र। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे ABO तंत्र की और RH तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ABO तंत्र के बारे में। ठीक है, जुड़ जाइए एकदम फोकस पूरा बोर्ड की तरह। तो देखिए ABO तंत्र क्या है, ABO तंत्र सबसे पहले इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, ABO तंत्र की खोज 1900 में वही आपके जाने पहचाने कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने की थी, 1900 में की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर प्रोटीन के बने हुए पदार्थ, प्रोटीन के बने पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं क्या, प्रतिजन। ठीक है, ये प्रतिजन किसके बने होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन के। ये मैं आपको बता चुका हूं किसके बने होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन के। ठीक है बेटा, तो ये प्रतिजन है वो ग्लोबिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब ये प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ये प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। ठीक है, दो प्रकार के प्रतिजन है, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इनकी उपस्थिति, उपस्थिति और अनुपस्थिति
उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एबीओ तंत्र को चार वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया बेटा? चार वर्गों में, ठीक है। किसके आधार पर? प्रतियन ए और प्रतियन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अगर कौन सा प्रतियन आरबीसी की सतह पर है, कौन सा नहीं है, ठीक है, तो उसके आधार पर, उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर एबीओ तंत्र को चार वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। किस तरीके से, देखिए एक बार यहां तक मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एबीओ तंत्र की खोज 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इन्होंने बताया था कि आरबीसी की सतह पर प्रोटीन के बने हुए पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रतियन या एंटीजन कहते हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रतियन दो प्रकार के होते हैं, प्रतियन ए और प्रतियन बी, ठीक है। तो प्रतियन ए और प्रतियन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एबीओ तंत्र को चार वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं चार वर्ग कौन कौन से। देखिए ये चार वर्ग है कौन कौन से, वो आपको यहां पर देखने हैं। पहला है ए वर्ग, दूसरा है बी वर्ग, तीसरा है ए बी वर्ग और अगला है ओ वर्ग, ठीक है। ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग, अब आप पता कैसे चला? मैं रट के आया हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भी एकदम इस तरीके से समझ जाओगे कि आप भी कहोगे क्या बहुत अच्छा समझ में आया और ये इस तरीके से बने, ठीक है। रटने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर बहुत ही आसान है। हमने एक बच्चा लिया, छोटा बच्चा राजू, ये एक बच्चा है, ठीक है। हमने इसकी आरबीसी बाहर निकाली। क्या बाहर निकाली? आरबीसी, ठीक है। राजू की आरबीसी को हमने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद हमने देखा कि इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन ए बैठा हुआ है। कौन सा प्रतियन बैठा हुआ है? ए। इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन कौन सा है? ए। तो इसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ए वर्ग। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन कौन सा है? ए, ठीक है। दूसरा बच्चा श्यामू, इसका राजू का दोस्त है श्यामू, ठीक है। इसकी आरबीसी को जब हमने बाहर निकाला, श्यामू की आरबीसी हमने बाहर निकाल के देखी, तो इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन हमें मिला बी। कौन सा प्रतियन मिला? बी। तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी वर्ग। समझ में आ गया होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आ गया कि नहीं समझ में? कैसे बनता बी वर्ग, ठीक है। तो श्यामू की आरबीसी हमने बाहर निकाली और देखा कि उसकी सतह पर प्रतियन कौन सा है? बी। इसलिए हमें बना बी वर्ग, ठीक है। तीसरा दोस्त है इसका छोटा डॉन। कौन सा है? छोटा डॉन। डॉन है भैया, देखिए छोटे डॉन की आरबीसी हमने बाहर निकाली, इसकी आरबीसी को हमने बाहर निकाल के देखा, तो इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन बैठे हुए हैं एक दो, ए और दूसरा कौन सा है? बी। ये दो दो प्रतियन लेके बैठा है भैया, दो दो प्रतियन है ए और बी। तो आप समझ गए होंगे कौन सा रक्त समूह बनेगा? ए बी वर्ग। समझ गए कि नहीं? क्योंकि इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन कौन कौन से है? ए और बी दोनों, ठीक है। इसलिए इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी वर्ग। अब हम बात करते हैं भैया बड़े डोन की, बड़ा डोन, ठीक है। देखते हैं भैया बड़े डोन की आरबीसी बाहर निकाल के, इसकी जो आरबीसी है इसकी सतह पर हमने देखा बड़ा डोन है, इसकी आरबीसी की सतह पर प्रतियन है ही नहीं, प्रतियन है ही नहीं। बड़े डोन की आरबीसी की सतह पर प्रतियन ही नहीं है, बड़ा डोन है भैया, प्रतियन उसने रखा ही नहीं है। अब प्रतियन नहीं है तो यहां पर यानी शून्य, शून्य का मतलब प्रतियन नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया यहां पर ओ वर्ग। समझ में आया कि नहीं? रटने की जरूरत तो नहीं है, समझने की जरूरत है, इसलिए कहते हैं बायोलॉजी
समझने वाली है, रटने वाली नहीं। देखिए इधर, ए पर छोटे बच्चे राजू की आरबीसी हमने बाहर निकाली, इसकी आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रत्यय है, तो इसका रक्त समूह, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह कौन सा बना, ए वर्ग। ठीक है, दूसरा श्यामू, इसकी आरबीसी हमने बाहर निकाली, कौन सा प्रत्यय आरबीसी की सतह पर, बी, इसका ब्लड ग्रुप बी वर्ग। ठीक है बेटा, तीसरा एबी वर्ग है छोटा डोल, इसकी आरबीसी हमने बाहर निकाली, इसकी आरबीसी की सतह पर प्रत्यय कौन सा है, ए और बी, इसीलिए इसका रुधिर वर्ग एबी वर्ग। ठीक है, और ओ है, ओ वर्ग है इसका बड़ा डोन है, इसकी आरबीसी हमने बाहर निकाल के देखी, तो इसकी आरबीसी सतह पर प्रत्यय नहीं है यानी शून्य, इसलिए हमने इसको नाम दिया ओ वर्ग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा कि चार प्रकार से रक्त समूह को कैसे वर्गीकृत किया गया है, चार वर्गों में, तो ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो रक्त समूह है तो इसमें कौन सा प्रत्ययन और कौन सी प्रत्रच्छी पाई जाएगी। ठीक है, प्रत्ययन कौन सा है और उसमें प्रत्रच्छी कौन सी है और किसे रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, इंपोर्टेंट बात, तो देखिए इंपोर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, पूरा ध्यान केंद्रित कर दो, एकदम पूरा, इधर उधर नहीं जाना है, आपका ध्यान किधर है, डॉक्टर रामगोपाल त्यागी तो इधर है। ठीक है, पूरा ध्यान फोकस इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुधिर वर्ग के बारे में, रुधिर वर्ग। ठीक है, इसमें ले लेते हम प्रतिजन या एंटीजन। ठीक है, बहुत ही सिंपल, दूसरे में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। ठीक है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। अगला रक्त दे सकता है, रक्त दे सकता है। ठीक है, और अगला हम बात करने के लिए जा रहे हैं रक्त ले सकता है। ठीक है, तो यानी रक्त दे सकता है, रक्त किसे दे सकता है और रक्त किससे ले सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम किस तरीके से हुआ, बहुत ही आसान। ठीक है, देखिए तो रक्त समूह कौन कौन सा था, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी, ए बी, ओ, चार वर्गों में रक्त समूह को बांटा गया है। अब मैंने आपसे कहा कि रुधिर वर्ग ए है, इसमें प्रत्ययन या एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। ए क्या होगा कि प्रत्ययन ए है तभी तो उसका रक्त समूह ए है। अभी मैंने समझाया था कि जो राजू है उसकी आरबीसी पर प्रत्ययन कौन सा, ए, इसीलिए तो उसका रक्त समूह ए है। ठीक है, तो ए प्रत्ययन है तो ए वाले का रक्त समूह का, ठीक है, और बी वाला है, रक्त समूह बी है तो इसका प्रत्ययन कौन सा होगा, बी होगा। यानी कहने का मतलब एक करोड़ की बात, जो रुधिर वर्ग है वही प्रत्ययन होगा। आगे समझ में, केवल एक अपवाद मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो मैं उसको बताऊंगा मैं, तो बी वाला है तो बी, ए बी वाला है तो यहाँ पर ए बी। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रत्ययन या एंटीजन कौन सा होगा, ए बी होगा। अगला रुधिर वर्ग वो है तो यहाँ पर प्रत्ययन है ही नहीं, एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था भैया बड़ा डोन है, अब बड़ा डोन तो प्रत्ययन या एंटीजन रखता ही नहीं है। ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, प्रत्ययन या एंटीजन नहीं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षी के बारे में, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्ययन या एंटीजन होते हैं ये अपने विपरीत पदार्थों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जिन्हें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। तो देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहां पर प्रत्ययन या एंटीजन ए है तो यहां पर होगा एंटी बी, एंटीबॉडी होगा बी। ठीक है, यहां पर प्रत्ययन या एंटीजन ए बी है तो यहां पर एंटी ए होगा। ठीक है, उल्टा है, ए प्रत्ययन प्रतिरक्षी एंटी बी। ठीक है, बी प्रत्ययन एंटी ए प्रतिरक्षी। ठीक है,
अब यहां आइए, ए बी, ए बी प्रतिजन है तो यहां पर प्रतिरक्षीय एंटीबॉडी क्या होगा, उल्टा करके देखो, अब ए का उल्टा बी, बी का उल्टा, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो सेम ही हो गया, तो यहां पर पाया नहीं जाता, एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए ओ में प्रत्ययन तो है नहीं, अब प्रत्ययन नहीं है तो प्रतिरक्षी दोनों पाए जाएंगे, एन टी ए और बी। ठीक है, ये दोनों यहां पर प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, देखिए अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, राजू का, ठीक है, श्यामू का, छोटा डोनो, बड़ा डोनो, इनकी जो आरबीसी है इनके शरीर में, तो ये रुधिर वर्ग ए बी, ए बी और ओ वाला है। अब ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, उसने यहाँ पर प्रतिरक्षी यानी बॉडी गार्ड, प्रतिरक्षी क्या है, बॉडी गार्ड, उसने अपने शरीर में एक बॉडी गार्ड बिठा रखा है, तो ये है एनटीबी। मान के चलो आपने क्या किया कि अपने घर के गेट पर एक बॉडी गार्ड लगा दिया, ठीक है, अब बॉडी गार्ड लगा दिया तो वो क्या करेगा, अंदर जाने से रोकेगा, तो इसलिए बॉडी गार्ड है वो क्या करता है, अंदर जाने से रोकता है किसको, अब घर वालों को थोड़ी रोकेगा, घर वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, उनको तो नहीं रोकेगा, लेकिन जो अनजान है जिसको जानते नहीं उसको रोक दिया, भाई रुको पहले पूछने दो अंदर कौन क्या है, अगर परमिशन मिलेगी तभी तो आप अंदर जा पाएंगे, और परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर कैसे चला जाएगा, वही कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अब ए वाले ने बॉडी गार्ड बी लगा रखा है एनटीबी, ये बॉडी गार्ड बी को अंदर जाने से रोकेगा, क्योंकि ये पहचान कर लेता है कि एनटीबी से इसकी दुश्मनी है, ए वाले ब्लड ग्रुप की किससे दुश्मनी है, एनटीबी, बी से दुश्मनी है, और बी से दुश्मनी है तो ये बी वर्ग को शरीर में अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, और अगर जबरदस्ती चला गया तो क्या होगा, आरबीसी नष्ट हो जाएंगे, कैसे वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो, रक्त समूह बी है तो इसने बॉडी गार्ड ए लगा रखा, ए के विपरीत, यानी कहने का मतलब रक्त समूह बी के शरीर में ए रक्त समूह नहीं जा सकता है, अगर ये जाएगा तो तोड़फोड़ करेगा, पहले चौकीदार से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा होगा तो मार दिया तो दिक्कत हो सकती है ना, तो आरबीसी फूट सकती है, समझ रहे हो बात को, तो जाए नहीं वो ज्यादा अच्छा है, लड़ाई झगड़ा करना बेकार की बात है। ठीक है, तो यहां पर चौकीदार बैठा हुआ है ए के विपरीत, यहां देखिए ए बी वाला उसने तो चौकीदार लगा ही नहीं है, अब आपको पता है कि आपने अपने गेट में चौकीदार लगाया नहीं है तो कोई भी अंदर बाहर जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर बाहर जा सकता है, तो यहां पर रक्त समूह कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, समझ रहे हो, किसी से भी रक्त ले सकता है। यहां देखिए ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है इसकी कोई पहचान ही नहीं है, अब इसके दिमाग यानी इसके सिर पर कोई टैग नहीं लगा हुआ है, ना तो ए ना बी, अब मान के चलो कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको अच्छे से पहचानते नहीं है, यानी ऐसा लग रहा है कि जानकार भी है और अनजान भी है, तो उसको लगे चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर होता है, पहचान में नहीं आ पा रहा, पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें प्रतिजन है ही नहीं, लेकिन यहां पर इसने क्या कर रखा है, इसने यहां पर डर की वजह से ए और बी दो बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, इसको ज्यादा डर है कि ऐसा पता चले कि कोई आकर के इसकी तोड़ फोड़ कर दे, तो यहां पर इसने एंटी ए और एंटी बी लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें रक्त ए नहीं जा सकता और बी भी नहीं जा सकता, क्यों, कि अगर ए जाएगा तो यहां पर एंटी ए है, ठीक है, बी वाला तोड़ देगा, और बी जाएगा तो ए वाला रोक देगा, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा से फिर से समझिए, ए वाला रक्त समूह है उसमें एंटी बी पाया जाएगा, बी वाला है उसमें एंटी ए पाया जाएगा, ए बी वाले में एंटी बॉडी यानी प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है, और यहां पर जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है यहां पर प्रतिजन दो नहीं होते लेकिन प्रतिरक्षी चौकीदार यहां पर दो दो बैठे हुए। ठीक है, अब देखें रक्त दे सकता है, किसको रक्त दे सकता है, पहले ये देखो यहां पर प्रतिजन क्या है, ए, अब जो प्रतिजन है उसको तो रक्त दे ही सकता है, यानी ए को दे सकता है, दूसरी बात और किसे दे सकता है, अब ए वाला है बी वाले को दे देगा, नहीं देगा क्योंकि इसमें एंटी बी है, बी वाले को रक्त देगा तो ये एंटी ए बैठा हुआ है, एंटी ए तो यहां तोड़ फोड़ हो जाएगी तो बी को नहीं दे सकता। ठीक है, ए बी वाले को दे सकता है, हाँ जी दे सकता है क्योंकि यहां पर चौकीदार है ही नहीं,
यानी केवी वाले को भी दे सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए ओ को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो दो बॉडी गार्ड है, तो ये पहचान करके इसको नष्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ओ को नहीं दे सकता। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ए रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है? ए को और ए बी को। ठीक है, दूसरा बी वाला, तो बी वाला रक्त किसे दे सकता है? बी को। यानी कहने का मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो अपने आप को तो रक्त दे ही सकता है। ठीक है, मान के चलो आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो आप अपने आप को यानी ए वाले व्यक्ति को तो दे ही दोगे, और उसके अलावा किसको दे सकते हो ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, मान के चलो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो मैं बी वाले व्यक्ति को तो दे सकता हूँ रक्त, बी के अलावा और किसे दे सकता हूं? ये यहाँ पर देख, बी है तो बी को दे सकता है, अब बी के अलावा किसको दे सकता है? ए बी वाले को। यहाँ कोई पहचान नहीं है, ये रोकेगा नहीं, तो ए बी वाले को भी दे सकते हैं। ठीक है, ओ को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, यहाँ पर दो दो बॉडी गार्ड है तो नहीं दे सकते। ए को दे सकते हैं क्या बी वाला? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ एन टी बी, बी के विपरीत इसने चौकीदार लगा रखा है। ठीक है, तो नहीं दे सकता। ए भी दो लोगों को दे सकता है, बी वाले को और ए बी वाले। ठीक है, अगली बात, ए बी वाला है ये किसे दे सकता है? देखिए ए बी वाला है, अब ए बी वाला ब्लड ग्रुप है तो इसके सिर पर ए और बी दोनों प्रत्येक उपस्थित है। अब मान के चलो यहां पर गया तो एन टी बी है, बी को पहचान लेगा तो अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ए को नहीं दे सकता। ये गया फिर बी के पास, तो बी के पास गया तो यहां पर एन टी ए बैठा हुआ है, एन टी ए यानी ए के विपरीत बैठा है, तो ए को पहचान लेगा, इसको भी नहीं दे सकता। अब यहां पर गया, यहां तो दोनों के विपरीत दो दो बॉडी गार्ड है, तो इसको भी नहीं दे सकता, तो दे किसको सकता है? यानी अपने आप को ही दे सकता है, केवल ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही रक्त दे सकता है। ठीक है, ए बी वाले। अब यहां पर देखें ओ किसे दे सकता है? ओ वाला रक्त समूह है, इसकी कोई पहचान नहीं है, और जिसकी कोई पहचान नहीं है तो वो तो कहीं भी घूमेगा, कहीं भी घूमेगा, तो इसका मतलब ये सबको रक्त दे सकता है, क्योंकि इस पर प्रतिजन नहीं है, और प्रतिजन है नहीं तो ये पहचान कैसे करेंगे? ये बॉडीगार्ड कैसे पहचानेगा, ये कैसे पहचानेगा, ये कैसे पहचानेंगे? तो कोई पहचान नहीं है, इसलिए ये सभी को रक्त दे सकता है वाला। ठीक है, तो देखिए ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। ठीक है, चलिए ये तो वह रक्त दे सकता है, अब ले किस से सकता है, इससे रक्त ले सकता है। देखिए यहां मैंने आपको बताया था कि जो रक्त समूह है वो उसी से तो ले सकता है, उसके अलावा और किससे ले सकता है? तो देखिए ए वाला रक्त समूह ए से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ए बी वाला ए बी वाले से ले सकता है, ओ वाला ओ से ले सकता है। पहली बार क्लियर इतना कि जो रक्त समूह है वो उसी रक्त समूह से ले सकता है। अगली बात, और किससे ले सकता है? तो देखिए यहां रक्त समूह ए है, इसमें एन टी बी यानी बी के विपरीत पदार्थ है, तो बी को नहीं आने देगा, तो ये रक्त बी से नहीं ले सकता। ठीक है, पहली बात बी से नहीं ले सकता, क्योंकि बॉडी गार्ड बी के विपरीत बैठा हुआ है, इसकी लड़ाई है बी से, तो नहीं आने देगा, तो बी से नहीं ले सकता। अब ए बी की बात करें, ए बी वाले में भी बी बैठा हुआ है भाई, इससे भी दुश्मनी है, अब दुश्मन के साथ में दुश्मन का दोस्त आए तो क्या आप उसको अंदर आने दोगे? नहीं आने देंगे, तो ये इसका दोस्त है यहाँ पर ए, तो इसको भी नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये भी नहीं दे सकता। अब यहां पर आइए, यहां पर प्रत्यन एब्सेंट, प्रत्यन एब्सेंट है तो इसकी पहचान नहीं हो सकती, अब पहचान नहीं हो सकती तो इससे तो ले सकता है ना, तो रक्त इससे ले लेगा, तो ए से ले सकता है और ओ से ले। ठीक है, दूसरी बात बी वाला है, बी से तो ले ही लिया, इसके अलावा और देखते हैं, यहां पर चौकीदार ए के विपरीत है, ठीक है, तो इससे नहीं ले सकता, इससे नहीं ले सकता क्योंकि इसमें ए है। ठीक है, फिर बचा कौन? ओ, बी और ओ से ले सकता है। ठीक है, अगली बात ए बी वाला किसे ले सकता है? ए बी वाले में कोई प्रतिरक्षी ही नहीं, बॉडी गार्ड नहीं है। ठीक है, अब बॉडी गार्ड नहीं है तो ये किससे रक्त ले सकता है? वो देखिए, इसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, इसमें चौकीदार है ही नहीं, रोकने वाला है ही नहीं, तो कोई भी जा सकता है अंदर, तो इसमें ए बी वाले से तो ले रहा है, ए से लेगा, बी से लेगा और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है,
तो कोई भी अंदर जा सकता है घर में। तो ठीक है, तो यहाँ ए बी वाला, ए बी और ओ, ठीक है। यहाँ देखिए ओ रक्त समूह, अब इसमें एब्सेंट है प्रतिजन, तो पहचान तो नहीं है, लेकिन एंटी बॉडीज ए और बी दो के विपरीत है। अब ए वाला है तो इसकी पहचान कर लेगा ये, एंटी बी इसको नहीं आने देगा, बी वाला है वो इसको नहीं आने देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं तो ये दोनों नहीं आ पाएंगे, ए बी वाले को अगर भेजेंगे तो ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ये नहीं जाने देंगे, नष्ट कर देंगे, तो बचा कौन, वही बचा तो केवल ओ के द्वारा, ओ केवल रक्त दे पाएगा इसको, केवल ओ, ठीक है, केवल ओ से ले पाएगा ये रक्त। यहां तक समझ में आ गया होगा सबकी में, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया कि जो प्रत्ययन कौन सा होता है, प्रदर्शी कौन सा होता है, रक्त किसको दे सकता है और रक्त किससे ले सकता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये आपके सामने, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखें आप, ए बी ब्लड ग्रुप है वो यहां पर सबसे रक्त ले रहा है, ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ए बी से ले रहा है और ओ से ले रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही यानी सबसे लेने वाला, ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही है। ओ वाला है इसको देखें, ये ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, ओ को भी दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबको दे रहा है, तो सबको देने वाला भाई भगवान, इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, सबको देने वाला, ठीक है, भगवान है भैया। तो ओ वाला है वो सार्वत्रिक दाता कहलाएगा, यानी सबको रक्त दे रहा है, और ए बी है वो सबसे ले रहा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझाऊं इसको, ए बी वाला है भिखारी, अदरवाइज नहीं ले रहा है इसको, भिखारी का मतलब कटोरा लेके बैठा है, बस देते ही रहो, खुद नहीं देगा किसी को, देते रहो खुद, ठीक है, खुद लेता रहेगा, तो ये सबसे ले रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। ये भगवान है कि भैया मैं देता रहूंगा, दूसरे से ले लूंगा नहीं, देता ही रहूंगा, तो इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, सबको देने वाला भगवान, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ए बी ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, ओ ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, ग्राही का मतलब यानी रक्त ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला यानी लेने वाला, लेने वाला रक्त लेने वाले को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। जैसे मैं रक्त किसी से ले रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, ग्राही, क्योंकि दूसरे का रक्त में ले रहा हूं ना, तो ग्राही कहलाऊंगा। दाता क्या होता है, दाता यानी देने वाला, दूसरे को रक्त देने वाला, देने वाला क्या कहलाता है, दाता कहलाता है। जैसे जिसने मुझे रक्त दिया तो वो दाता हुआ, मैं ग्राही हुआ, समझ गए, बहुत ही सिंपल है। जो रक्त दे रहा है उसको दाता कहेंगे, डोनर, ठीक है, और जो ले रहा है वो कहलाएगा ग्राही, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब इसकी प्रतिशतता की बात करें, भारत में कितने परसेंट ए पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए ए ब्लड ग्रुप है वो भारत में पाया जाता है 34.7%, बी पाया जाता है 23.7%, ए बी पाया जाता है 7.5%, सॉरी यहां पर है 5%, ये भी 5 है, 34.5, 23.5 और ए बी है 7.5, ओ ब्लड ग्रुप है 34.5%, टोटल 100% हो गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से मैं लगा लेना। तो यानी ए ब्लड ग्रुप है वो भारत में, बात कर रहा हूं मैं भारत में, मनुष्यों में जो अर्थात है, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति 34.5% पाए जाते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले 23.5% पाए जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 7.5% पाए जाते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले 34.5% पाए जाते हैं। एक अच्छी बात बता दूं आपको, अच्छी बात यह है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति है वो कम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, तो ये अच्छी बात क्यों है, अच्छी बात इसलिए है कि ये लेता ही रहता है, किसी को ब्लड ग्रुप दे नहीं सकता, तो दे नहीं सकता, तो अच्छी बात है कि कम पाए जाते हैं। इनकी संख्या यदि बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, कि इसका ब्लड हम किसी को दे नहीं सकते और ये ही ज्यादा है, तो देने वाले कम मिलेंगे डोनर, लेने वाले ज्यादा मिलेंगे, समझ रहे हो बात को, कि ग्राही है ए बी, तो इसको चाहिए, तो ज्यादा संख्या बढ़ गई तो ये ले तो लेंगे,
लेकिन दे नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इनकी संख्या कम है वो अच्छी बात। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रत्यन है, प्रत्यक्षी कौन से होते हैं, किसे दे सकते हैं, किसे रक्त ले सकते हैं, और भारत में इनकी प्रतिशतता क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। चलिए, सार्वत्रिक दाता किसे कहते हैं, यानी रुधिर वर्ग ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है। सार्वत्रिक ग्राही किसे कहते हैं, रुधिर वर्ग ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, क्योंकि यह रक्त सबसे ले सकता है, इसलिए इसे हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए दूसरे रुधिर वर्ग का तो होगा क्या। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति का जो रक्त है, एक व्यक्ति का रक्त, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को हम दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को देना, एक व्यक्ति का जो रक्त है उसको दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं रक्त स्थानांतरण, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है, रक्त स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का रक्त है वो दूसरे व्यक्ति को देने की जो क्रिया है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब गलत रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा, मान के चलो वही छोटा बच्चा राजू, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका दोस्त था अभी मैंने आपको बताया था श्यामू, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है बी। ठीक है, छोटे बच्चे राजू को रक्त की जरूरत थी, किसी कारणवश इसमें चोट लग गई, शरीर में रक्त की कमी हो गई, इसको रक्त की आवश्यकता थी, तो उसका जो दोस्त है श्यामू ये गया, इसने बोला कि मेरा रक्त दे दो, डॉक्टर ने क्या किया बिना चेक किए हुए रक्त को चढ़ा दिया। अब इसका जो रक्त है वो राजू को चढ़ाया तो पता चला कि इसके शरीर में, राजू के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया करने लगते हैं, और आपस में क्रिया करने से चिपकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, क्रिया करने से चिपकने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं समूहन। क्या कहते हैं, समूहन या आश्लेषण, यानी एंटीजन एंटीबॉडी आपस में चिपकने लगते हैं जब गलत रक्त समूह दिया जाता है। इस छोटे बच्चे राजू को बी ब्लड ग्रुप दे दिया और इसका ब्लड ग्रुप कौन सा था ए, तो इसमें इसके शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया करने लगे और आपस में चिपकने लगे, जिसे हम समूहन या आश्लेषण कहते हैं, और ये आगे जाकर इस छोटे बच्चे राजू की आरबीसी को नष्ट कर सकते हैं, आरबीसी नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आरबीसी नष्ट कर सकते हैं तो ये बेचारा खून के आंसू रोने लगा, क्यों, क्योंकि इसको ब्लड ग्रुप गलत दे दिया, और ऐसी स्थिति में इसको गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे पीलिया हो सकता है, जॉइंटिस पीलिया, ठीक है, पीलिया का मतलब कुछ पील नहीं लिया, बीमारी है पीलिया जॉइंटिस। ठीक है, तो पीलिया हो सकती है, पीलिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं रक्ताल्पता, क्या बोलते हैं रक्ताल्पता, तो जॉइंटिस यानी पीलिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है जिसे हम रक्ताल्पता बोलते हैं, और अधिक गंभीर स्थिति हो जाए तो इस बेचारे की मृत्यु भी हो सकती है। बताओ गलत है कि नहीं, जल्दबाजी में हम कर तो देते हैं ऐसा कि जल्दबाजी में गलती से रक्त समूह गलत दे दिया, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थितियां हैं। तो इसीलिए
रक्त आदान प्रदान करने से पहले, आदान प्रदान यानी रक्त देने से पहले, रक्त समूह की जांच करना, रक्त समूह की जांच करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। यानी रक्त आदान प्रदान करने से पहले उन दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच करना चाहिए, देने वाले का और जिसको देना है उसका, ठीक है। जो दे रहा है उसका मैच करो कौन सा है, और जिसको देना है उसका करो, मैच कर रहा है जब भी उसको देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, अभी ए बी नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो आर एच कारक हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ए बी तंत्र के बारे में पता चला, ठीक है। ए बी तंत्र को चार वर्गों में बांटा गया है, ए वर्ग बी वर्ग ए बी वर्ग ओ वर्ग, प्रतियन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, किसको रक्त दे सकते हैं, किससे रक्त ले सकते हैं, इतना यहाँ पर बताया। भारत में रुधिर वर्ग, कौन से रुधिर वर्ग के कितने मनुष्य पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज हैं, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। और रक्त अगर गलत रक्त समूह दे दिया जाए किसी को, दूसरे वर्ग का रुधिर दूसरे वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या होगा, वो मैंने आपको बताया। जॉइंटिस यानी पीलिया हो सकता है, ठीक है। रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो सकती है, अधिक गंभीर स्थिति होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, क्यों, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया करते हैं, चिपकने लगते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, समूहन या आश्लेषण, आश्लेषण या समूहन की क्रिया के दौरान आरबीसी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, और आरबीसी जब नष्ट होती है तो वहां पर क्या होगा, खून की कमी होगी, ठीक है। तो खून की कमी होगी तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एबीओ तंत्र के बाद हम बात करने जा रहे हैं रुधिर वर्ग की वंशांगति के बारे में, यानी रुधिर वर्ग की वंशांगति कैसे होती है, रुधिर वर्ग बनता कैसे है। माता पिता से जब संतति उत्पन्न होती है तो उस समय रुधिर वर्ग कैसे बनता है, ठीक है। रुधिर वर्ग की वंशांगति की बात करेंगे, ठीक है। एबीओ तंत्र यहां फिनिश हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं रुधिर वर्ग की वंशांगति, यानी संतति में रक्त समूह कैसे बनता है, रुधिर वर्ग की वंशांगति कैसे होती है, पेरेंट्स का रुधिर वर्ग कौन सा है, तो बच्चे का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। जैसे आपकी बात करें, आपके माता पिता का रुधिर वर्ग कौन सा है, तो उसके हिसाब से हम आपका अनुमान लगा सकते हैं कि रुधिर वर्ग ये हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि चार स्थितियां आती हैं, 25-25% होता है वो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, उसकी वंशांगति बताएंगे, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन भी करेंगे, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से होते हैं। आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में क्या करते हैं, कभी कभी नर्स बच्चे चेंज कर देती है, ठीक है, किसी के लड़के को किसी में ट्रांसफर किसी दूसरे को दे दिया और उसकी बच्ची को दूसरे को दे दिया, लड़का लड़की एक्सचेंज हो जाते हैं ना, तो उसको फिर कैसे पता करें कि ये किसका लड़का है और किसकी लड़की है, तो ये रुधिर वर्ग की वंशांगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, यहां पर एक वैज्ञानिक है वर्न स्टीन, कौन, वर्न स्टीन, ये वर्न स्टीन वैज्ञानिक है, इन्होंने 1924-25 में रुधिर वर्ग की वंशांगति को समझाया था, ठीक है। 1924-25 में वर्न स्टीन वैज्ञानिक ने रुधिर वर्ग की वंशांगति को समझाया था। तो रुधिर वर्ग के निर्माण के लिए, रुधिर वर्ग के निर्माण के लिए तीन प्रभावी जीन होते हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग के निर्माण के लिए कितने जीन होते हैं, तीन प्रभावी जीन, जिनके द्वारा रुधिर वर्ग बनता है, रुधिर वर्ग बनता है, कैसे बनता है वो देखिए। सबसे पहले जीन कौन कौन से हैं, ए के उपस्थित जीन ए, ए के ऊपर पाए जाने वाला जीन बी,
और तीसरा ए के ऊपर पाया जाने वाला भी जो जीन है ए और बी, ठीक है, ये जीन है। अब देखिए यहाँ पर आप देखें वही सेम है जैसे मैंने एलील बताया था, वही उसी प्रकार से जीन होती है। अब ए के ऊपर ए जीन पाया जाता है तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए, यहाँ पर कौन सा बनेगा बी, क्योंकि जीन बी उपस्थित है, यहाँ पर कौन सा बनेगा ए बी बनेगा, ठीक है, ये प्रभावी जीन है कि ए जीन उपस्थित है प्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, बी जीन उपस्थित है तो बी बनाएगा, ए बी उपस्थित है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। अब ओ कैसे बनेगा वो देखिए, ओ कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या होता है कि जब ए जीन के ऊपर अप्रभावी जीन होता है, कोई जीन है ही नहीं यानी अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, तो यहां बनेगा ओ वर्ग, ठीक है, यानी अप्रभावी जीन। लेकिन जब ये अकेला आएगा तो वहां पर प्रभाव दिखाएगा, ओ वर्ग बनाएगा, और जब ये किसी और के साथ में आएगा तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जैसे मान के चलो ए के ऊपर ए, ये आया ए के ऊपर नोड के साथ में, ए नोड के साथ, ए ए ए नोड के साथ आया तो यहाँ रक्त समूह कौन सा बनेगा, ए, क्यों ओ क्यों नहीं बन सकता, ओ इसलिए नहीं बन सकता कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, यहां पर इसको देखिए अप्रभावी और दूसरा क्या है प्रभावी, ठीक है, अप्रभावी यानी अपना प्रभाव नहीं दिखाने वाला, जब प्रभावी कारक होगा तो अप्रभावी जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, इसे अप्रभावी कहते हैं, और जो प्रभाव दिखाएगा उसे प्रभावी कहते हैं, ठीक है। तो यानी अप्रभावी रिसेसिव अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आपको इसे एक एग्जांपल से समझा, देखिए मान के चलो कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो उनमें एक इंटेलिजेंट बच्चा है बहुत ज्यादा और एक कमजोर बच्चा है, ठीक है, तो हमने टेस्ट लिया वो इंटेलिजेंट बच्चा वो फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ेगा तो फर्स्ट आएगा तो वो तो हुआ प्रभावी, और जो नीचे वाला था कमजोर उसने प्रभाव नहीं दिखा पाया क्योंकि वो फर्स्ट आया ही नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा था उसने अपना प्रभाव दिखाया वो फर्स्ट आया तो उसे हम कहते हैं प्रभावी, और वो नीचे वाला था उसका प्रभाव नहीं दिखा पाया यानी फर्स्ट नहीं आया वो अप्रभावी कहलाएगा। दूसरी बात मान के चलो एक दिन क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चा था वो आया ही नहीं, और आया नहीं तो जो कमजोर बच्चा था वही आया और उसका टेस्ट लिया वो फर्स्ट आ गया, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आया ही नहीं तो उसके नंबर जितने भी आए वो फर्स्ट ही आएगा, तो उसे कहते हैं यानी अप्रभावी ने भी अपना प्रभाव दिखा दिया। तो यानी कहने का मतलब जो अप्रभावी कारक अकेला आएगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे यहाँ पर ए नोट ये अकेला आया तो ओ वर्ग बना दिया, लेकिन ए ए के साथ में आया तो इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, इसने दिखाया तो ए वर्ग बना, ठीक है। ऐसे ही ए के पास बी वाला आया ए नोट के साथ तो कौन सा बनेगा, बी बनेगा, और ए नोट के साथ में ए और बी दोनों तो आ नहीं सकते तो तीसरी कंडीशन हो सकती है ए ए और ए बी आएंगे तो यहाँ ए बी बन जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन ए नोट आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा ओ वर्ग, उसका कारण क्योंकि प्रभावी है ही नहीं तो दबा नहीं पाएगा ना, अब कमजोर कमजोर रहे हैं दोनों साथ कर दिए तो वही अपना प्रभाव दिखाएंगे तो इसलिए यहां पर बन गया ओ वर्ग, ठीक है। तो रुधिर वर्ग की जो पंचांगति है वो तीन प्रभावी जीन पर निर्भर करती है, ये जीन आपके सामने ए के ऊपर ए है, ए के ऊपर उपस्थित बी है, ए बी है, ठीक है, ए ए के द्वारा ए वर्ग बनेगा, ए बी के द्वारा बी बनेगा, और ए बी दोनों साथ आएंगे तो ए बी बनेगा, ओ ओ के साथ में आएगा तो ओ वर्ग बनाएगा, ठीक है, लेकिन जब ए ए के साथ वो आएगा वो ए बनेगा, ए बी के साथ ए नोट आएगा तो बी बनेगा, और बी दोनों साथ आएंगे तो ए बी वर्ग बनेगा, ठीक है। इसको हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे आगे, और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि फिर संतति में अब कैसे जाएगा, ये तो जीन, ठीक है, कि जीन उपस्थित है इनके द्वारा ये बनता है, लेकिन अब संतति में कैसे जाएगा, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे मॉड्यूल 5 में कि संतति में किस तरीके से स्थानांतरित होता है, तो रुधिर वर्ग की वंशांगति को हम आगे समझेंगे, ठीक है। बर्नस्टीन वैज्ञानिक ने समझाया था 1924-25 में, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार।